Hello and welcome to Bollywood Wala. Superstar Salman Khan's Bharat, uski trailer aaj release ho chuki hai aur mere saath hai is waqt mere wise men who have just finished watching the trailer. They will tell us trailer unko kaise lagi aur Salman Khan unko kaise lage. Bobby ji, welcome to Bollywood Wala. Vijay ji, welcome to Bollywood Wala. Lalu ji is missing and I am sure he will miss Disha Patani as well. Bobby ji, main aapse chalu karta hu. टीजर आपको बहुत अच्छी लगी थी. इनफैक्ट मैं भी बता दूं, मेरे को सलमान खान बहुत अच्छे लगे इस ट्रेलर में. इज लुकिंग एब्सोल्युटली हैंडसम एंड स्टनिंग. जैसे मैं कह रहा था, टीजर आपको बहुत अच्छी लगी. टीजर बहुत अच्छा लगा था मुझे. ट्रेलर कैसे लगी आपको? ट्रेलर मुझे एकदम एवरेज ही लगा. क्यों? लॉट ऑफ थिंग्स इज शोन इन द ट्रेलर. मतलब इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर तेल का कुछ बताया है, तो लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन शोड. शायद पब्लिक थोड़ी कंफ्यूज हो जाएगी मेरे ख्याल से. ओके, मुझे एवरेज लगा प्रोमो. हां, सलमान खान लुक डैशिंग. ओके, जो बूढ़े के लुक में तो और ही जबरदस्त लग रहे हैं. ओके ओके, हैंडसम लग रहे हैं. हैंडसम लग रहे हैं और डैशिंग लग रहे हैं एकदम. ओके, लेकिन प्रोमो थोड़ा एवरेज लगा. ट्रेलर थोड़ा एवरेज लगा. ट्रेलर थोड़ा एवरेज लगा मुझे. ये एक्चुअली एक कोरियन फिल्म की रीमेक है, तो हाँ, तो मुझे तो अमित जी की काला पत्थर की रीमेक लग रही है. उसमें भी अमित जी नेवी में रहते. अच्छा, फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती, फिर गोज इन द कोल माइन. ओके, तो इसमें भी शायद कुछ ऐसा ही है. लेट्स सी. अच्छा, खाली बजरंगी बाजरंगी का प्रोमो भी उतना कुछ खास नहीं था. ओके, मूवी बिकेम सुपर डुपर हिट. एब्सोल्युटली सुपर हिट फिल्म थी. ओके, शायद इसकी भी फिल्म का ट्रेलर एवरेज है. शायद फिल्म सुपर हिट हो. ओके, यू नेवर नो. ऑलराइट, यू नेवर नो, सेज बॉबी जी. विजय जी, द मैन विद द यूजुअल थम्स अप. क्या कहेंगे, थम्स अप देंगे ट्रेलर को? नहीं, ट्रेलर तो अच्छा है. ओके, स्टोरी अभी देखे, पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा. अच्छा, कि पिक्चर में क्या है. हाँ, बाकी सलमान का तो जबरदस्त दिखता है इसमें. हाँ, एक से एक लुक है, जबरदस्त मस्त लगा आपको. तो समझो लुक, जो लुक देख के पैसा उसमें जाएगा. क्या बात है. मतलब सिटियाँ बचेगी. सिटियाँ बचेगी. इसका जो एक एक स्टाइल है. हाँ, बाइक पहने का और सब, मतलब स्टंट भी बहुत अच्छा किया है. ओके, गैडअप वगैरह, डायलॉग वगैरह बहुत अच्छे उसमें. मासी लग रहा है आपको? लग रहा है अच्छा एकदम. या हूं. ओके, ऑलराइट बॉबी जी. हाँ, आप प्रोमो में डायलॉग्स, जिसने डायलॉग्स बहुत दमदार है पिक्चर में. कौन से वाले? जो सलमान खान बोलता है ना, जो मेरा नाम भारत है, वो कैटरीना बोलती है. इसके आगे बोला, इसके आगे कुछ, मेरा मेरे पिताजी ने जो मेरा नाम इस देश के ऊपर रखा था, इसके आगे कुछ लगा, इसकी इस नाम की वैल्यू कम हो जाएगी. और जो मेरे दाढ़ी और जितनी सफेदी है, उससे ज़्यादा रंगीन मेरी ज़िंदगी है. जितने भी डायलॉग्स, डायलॉग्स आर वेरी नाइस. और एक जो गाना बताया ना, एक ही गाना शायद उसमें बताया, वो गाना काफी अच्छा लग रहा है. स्लो मोशन वाला. स्लो मोशन गाना बहुत अच्छा लग रहा है. उसका ट्यूनिंग बहुत अच्छा है. ओके, तो आई थिंक म्यूजिक इज वेरी गुड, डायलॉग इज वेरी गुड. ओके, सलमान खान लुक डैशिंग. ओके, बट ओवरऑल द प्रोमो इज एवरेज. पर सबसे बड़ी बात, मेरे को पहली बार कैटरीना अच्छी लगी. हाय हाय, लालू जी की कमी पूरे कर रहे हैं. पहली एक्चुअली कैटरीना एज अ एक्ट्रेस, मुझे तो उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं लगती. पहली बार मुझे अच्छी लगी. और केमिस्ट्री अच्छी लग रही है दोनों की. केमिस्ट्री अच्छी लग रही है. ओके, ऑलराइट. सबसे अच्छा क्या चीज़ लगा आपको ट्रेलर में? ट्रेलर में जो सलमान खान का जो बोलने का स्टाइल है ना, वो बहुत अच्छा लगा. ओए होए, क्या बात है. डायलॉग डिलीवरी एकदम गंभीरता से बोल रहे हैं. हाँ, तो उस तरह से जो जैसा डायलॉग डिलीवरी की है, वो काफ़ी अच्छी की है. काफ़ी अच्छी की है वो. तो लेट्स सी ऑन 5th of June. लेट्स सी ऑन एग्जैक्ट द फुल मूवीज. एब्सोल्युटली. विजय जी, ट्रेलर में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी इसमें? पूरा मसाला है इसमें. कॉमेडी भी अच्छी है. ओके, डायलॉग भी दमदार है. हाँ, एक्शन सीन है. हाँ, सलमान का लुक भी है. हाँ, कैटरीना है, सुनील और ना सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर है. तो मतलब पूरे मसाला फिल्म है. हाँ, तो मतलब मजा आएगा. मजा आएगा देखने के लिए. 100 टिकट्स नहीं, 150 इस बार. 150 टिकट्स. बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे टिकट लाना, हमारे लोगों को बहुत की है. ओके, इस बार 150 टिकट है. तो ईद को 150 टिकट लेने वाले. क्या बात है. मैं जाकर आदिल साहब और अमर साहब को कह दूंगा, मेरी 150 टिकट्स बुक कर दी इन गेटी गैलेक्सी. और हाउसफुल लग रही है. हाउसफुल लग रही है. क्या बात है. अच्छा विजय जी, कैटरीना और सलमान की केमिस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो पहले भी ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन. ओके, दोनों अच्छे लग रहे हैं. हाय हाय, क्या बात है. उसमें एक नया एडिशन है, आई एम श्योर लालू जी होते तो ज्यादा उस पे विचार विमर्श करते. दिशा पाटनी. राइट, कैसे लगे आपको? तो भी लालू जी बताएंगे. विजय जी बीइंग अ फैमिली मैन, ही डजंट वांट टू गेट इट. बॉबी जी आप बताइए, दिशा कैसे लग रही है? अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है. ओके, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज सलमान खान का ये है कि वो 6 लुक बताए, तो वो 6 लुक को कैरी कर पाएगी, वही सबसे बड़ा चैलेंज है. सबसे हैंडसम किसमें लग रहे थे? सबसे हैंडसम जो ओल्डर लुक है ना, उसमें बहुत जबरदस्त लग रहे थे. वाह, दाढ़ी बूढ़ी बन, लेकिन जबरदस्त लग रहे थे. ओके, मतलब अगर सलमान एक्चुअली ये ऐसे बोल रहे हैं कि ये इट्स अ जर्नी ऑफ अ मैन टू एन अ नेशन. एक्चुअली इज अ जर्नी ऑफ सलमान खान एज अ एक्टर और स्टार टू एन एक्टर. किस तरह से वो इतने सालों में किस तरह अच्छे एक्टर बने, वही जर्नी है मेरे सबसे पिक्चर में. क्या बात है. लेट्स वॉच ऑन 5th of June. भारत कैसी है वो पृथ्वी पता चलेगा. ओके, चलिए जाने से पहले विजय जी. जी जी, कितना स्टार्स देंगे आप? क्या देखिए, सलमान को सब लोग अच्छे हैं, तो
सलमान के लिए पांच में से पांच। अरे क्या उसके बाद पिक्चर देखने के बाद क्या है पता नहीं। ओके ऑल राइट देयर यू हर्ड इट फ्रॉम विजय जी। बॉबी जी ट्रेलर को कितना देंगे? सलमान खान का जो ओल्डर लुक है ना उसको पांच में से पांच डैशिंग जबरदस्त लग रहे हैं। ओके और जैसे डायलॉग्स देखिए उसको भी पांच में से पांच डायलॉग पिक्चर में दमदार होगी इतना प्रोमो से पता चल गया ट्रेलर से पता चल गया पर ट्रेलर को मैं पांच में से दो ही दूंगा कि मुझे ट्रेलर एवरेज लगा। ओके ऑल राइट देयर यू हर्ड इट फ्रॉम आवर वॉइस मैन व्हाट दे थिंक अबाउट सलमान खान भारत। सो वी विल गियर अप फॉर ईद बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ फुल बिग रिलीज here at Getty Galaxy. This is Sonup signing off from Bollywood Wala. Bye-bye.